हमारे मुंबई के राइटर्स, दो ग्रुप थे पुणे से और मुंबई से। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो आज है 26 जैन और आज है हमारा रिपब्लिक डे राइड। तो अभी मैं यहीं से निकला हूँ, अभी पहले जाके हमें स्टार्टिंग पॉइंट मिलना है जो कि है सेंटोसा रिसॉर्ट, तो अभी मैं वहीं जा रहा हूँ। कुछ राइडर ऑलरेडी आ चुके हैं, 7:30 का यहाँ से निकलने का प्लान है और 2 मिनट है मेरे पास पहुँचने के लिए, तो मैं थोड़ा उल्टा जाता हूँ आज कि जल्दी पहुँच पाऊँ। हाँ, वेदर बहुत सही है, ठंड मौसम है। ये रहे हमारे राइडर्स खड़े, तो रिपब्लिक डे राइड हमारी शुरू हो चुकी है। ये हमारे आगे प्रशांत, हमारे लीड राइडर। ओके, तो हमारा डेस्टिनेशन आज है लोनावला, 307 एप्पल रिसॉर्ट, वहीं पे हम लोग का स्टॉप है आज। तो सिंस हम लोग आज बाय रोड जा रहे हैं, आज कोई ट्रेल या ऑफ रोड नहीं है, तो हमें फॉर्मेशन में जाना है। ओके, तो अगर देख सकते हैं हमें कुछ सिंबल्स मिल रहे हैं सामने लीड राइडर से कि हमें सिंगल लेन में चल रहा है, सेंस यहाँ पे तेज गाड़ी आ रही है पीछे से। 17 तो हो चुका है बट फिर भी थोड़ी थोड़ी ठंडी लग रही है। ऑफ कोर्स जैकेट पहना है तो इतना फील नहीं हो रहा है, बट ठंड तो है। तो यहाँ से हम लोग का डेस्टिनेशन कुछ 45 किलोमीटर्स पे है और बीच में पॉसिबली हम लोग एक ब्रेक ले लेंगे, टी ब्रेक, तो देखते हैं कहाँ रुकते हैं। तो अभी जो हम रास्ता पकड़ेंगे आई थिंक सो देहू रोड से जाएंगे, क्योंकि ये रास्ता आगे जाके देहू रोड ही कनेक्ट करता है, और जैसे कि आप बोर्ड पे भी दे सकते हो देहू रोड बता रहा है। सो अगर आपको पुणे से लोनावला जाना है ओल्ड हाईवे से खासकर बाइक से, तो आपको ये वाला ही रास्ता पकड़ना है। तो ये जंक्शन है बोल सकते हो,
किलोमीटर से आई गेस थोड़ी सी ट्रैफिक मिलेगी हमें आगे तक, तो सिंस ये सिंगल लेन है तो थोड़ा सा ध्यान से जाना है। तो मेरा तो फर्स्ट टाइम एक्चुअली ये KTM के साथ रिपब्लिक डे राइड का, यूजुअली मैं अकेला ही जाता हूँ, बट मेरे ख्याल से कुछ दोनों का अलग मज़ा है, या एक सिंगल जाना और साथ में ग्रुप में जाना। ग्रुप में जाने का ये फ़ायदा है कि आपको एक सपोर्ट मिलता है कि कहीं कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो या गाड़ी में कोई दिक्कत आई हो आपके, तो यू हैव समवन ऐसे, तो थोड़ा सा वो सेफ्टी भी होता है साथ में। जैसे हमारे साथ भी मेडिकल के लिए एम्बुलेंस है, ओके। तो और 3 किलोमीटर के बाद हम लोग कामशेद पहुंच जाएंगे, सो टिल नाउ ऑल गुड। यहाँ से ऑलमोस्ट गार्ड सेक्शन शुरू हो जाएगा।
ओके सो ये तो हम अभी लोनावाला पहुंच गए ऑलमोस्ट मार्केट एरिया में। आप देख ही सकते हैं आपको आसपास लोनावाला चिक्की के शॉप दिखने शुरू हो जाएंगे। और ओके ये हमारा आई डोंट नो हम यहाँ पे रुकने वाले हैं या ये वाला रास्ता पकड़ने वाले जाने के लिए। पर लॉन्ग वीकेंड भी है 26 क्योंकि आज फ्राइडे है और 26 जैन का तो वैसे ही छुट्टी रहेगा इंडियन हॉलीडे। तो अभी तो हमें कोई क्राउड या ट्रैफिक जैसा दिख नहीं रहा है लोनावाला में, आगे देखते जाके। तो यहाँ कोई स्कूल ही लगता है। तो यहाँ पर राइट में आपको काफ़ी सारे बंगलोज दिखेंगे ये वाले रास्ते पे। आई होप विजुअल सही है। तो डेस्टिनेशन तक पहुंच चुके हैं, कह रहे थे 7 एप्पल रिसॉर्ट। स्वागत। ये बढ़िया है, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। ओके और ये पहुंच गया, यहाँ पे कुछ स्वागत हो रहा है हमारा।
मुंबई के राइडर्स, दो ग्रुप थे पुणे से और मुंबई से। ओके, तो आज का राइड कंप्लीट हो चुका है, हम यहाँ से निकल रहे हैं। Let's go। ओके, तो आज का हमारा राइड कंप्लीट हो चुका है रिपब्लिक डे का। तो बस अभी सारे राइडर निकल रहे थे एक एक करके, हमने सोचा हम भी निकल लेते, धूप भी बढ़ गई, अब रुक के फ़ायदा नहीं यहाँ पे। तो कुछ राइडर्स अभी भी है यहाँ पे, अच्छा एक्सपीरियंस था आज, फर्स्ट टाइम हमने राइड किया था ये KTM Pro XP के साथ। दोस्तों तो अभी एज सच कुछ नहीं है ऑन द वे इन रिटर्न में दिखाने, हम जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से वापस जा रहे पुणे की तरफ। थोड़ी सी धूप और ट्रैफिक दोनों है अभी, तो इट्स बेटर कि हम जितना जल्दी हो सके पहुंच जाए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें क्योंकि ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर ही है यहाँ से पुणे के लिए। तो बस वही दोस्तों, आज का राइड रिपब्लिक डे राइड था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप भी KTM राइड हो तो आई विल सजेस्ट आप प्रो XP के राइड्स भी बुक कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो देखते हैं नेक्स्ट प्रो राइड हम कब करते हैं, ये मंथ में तो नहीं है कोई, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ, बट उसके अलावा कुछ और व्लॉग्स आते रहेंगे। तो बस चलिए फिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल हियर, और राइड सेफ़।